सभी अरुणाचल वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा अरुणाचल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको मैं वेलकम करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड पेरेंटिंग। अभी रिसेंट टाइम में हम लोगों ने देखा है कि अरुणाचल में जिस तरह से यंग जनरेशन ड्रग्स का सेवन कर रहा है, और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा कि आलोंग में रिसेंटली कई लाखों का ड्रग्स पकड़ा गया। एक ड्रग्स रैकेट बस्त हुआ था, तो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर, जो भी टीम था। उसी तरह से कैपिटल में भी, ईटानगर, नाहरलगन, निर्जुली, दोईमुख एरिया में भी पुलिस ने अच्छा काम किया और काफ़ी सारा ड्रग्स पीने वाला या ड्रग्स बेचने वाला को पकड़ा। तो मेरा ये है कि मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि पकड़ा तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? आजकल के बच्चे, आजकल के जो यंग जनरेशन है, ये ड्रग्स का सेवन इतना क्यों कर रहा है? तो इसमें आपने अपना सबका सोच विचार है, मैं भी अपना सोच विचार रखना चाहता हूँ। तो इसमें तो ऐसा है कि इसमें पेरेंटिंग में कहीं प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो वैसे पेरेंटिंग करना कोई आसान बात तो नहीं है, फिर भी मेरा भी कुछ सुझाव है पेरेंट्स के लिए। देखिए, अगर आप चाहता है कि आपका बच्चा ड्रग्स ना पिए, ड्रग्स का सेवन ना करे, तो पहले आपको उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जो चीज़ आप चाहता है कि आपका बच्चा ना करे और वो जिस तरह का व्यक्ति बने, अच्छा व्यक्ति बने, तो आपको भी वैसा होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहता है कि आपका बच्चा जल्दी घर आए रात को, शाम को, और पढ़ाई करे, तो आप भी जल्दी घर आना पड़ेगा। आप चाहता है आपका बच्चा दारू ना पिए, तो आप भी नहीं पीना पड़ेगा। या एटलीस्ट उसको सिखाइए किस तरह से ये सब चीज़ों को, कौन सा एज में किस तरह से लिया जाता है। ड्रग बड़ा समस्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेरेंट्स ड्रग्स लेता है, लेकिन ड्रग्स लेने के लिए जो माहौल, एनवायरनमेंट बन जाता है उसके अगल बगल, तो उसमें पेरेंट्स हेल्प नहीं करते उसको उस एनवायरनमेंट से बाहर लाने के लिए। जनरली क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है, दोस्त दोस्त से बिगड़ता है। आपको देखना है कि उसका फ्रेंड सर्कल कौन कौन है, एंड यू हैव टू बी वेरी फ्रेंक विद देयर फ्रेंड्स। एक्चुअली अगर उस आपका बेटा या बेटी के सामने अगर उनको आप कुछ नहीं कहना चाहता है, तो आप उनको अकेले में भी मिलकर कह सकते हैं। मैं गाली देने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उसको डांट सकता है या समझा सकता है। क्योंकि ड्रग्स बच्चा लोग लेता है एक एस्केप वॉल में जाने के लिए, एक अलग ही दुनिया में। ड्रग्स, कोकेन, नार्कोटिक्स, व्हाटएवर, भांगांजा, तो एक अलग एस्केप वॉल में जाता है। वो एस्केप वॉल में क्यों जाना चाहता है? कि रियलिटी उसको जो है काटता है, रियलिटी उसको परेशान करता है। पेरेंट्स का बिहेवियर, मे बी उसका पीयर्स, कजिन्स, फ्रेंड्स, टीचर्स का बिहेवियर। और ये तब होता है जब उसको कोई लाइफ में कोई एक मकसद नहीं होता है उसका। पेरेंट्स का ड्यूटी है कि उसका मकसद को उसको फाइंड आउट करने में मदद करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए लाइफ का मकसद क्या है, ज़्यादा स्ट्रिक्टली भी नहीं, लेकिन उसका साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, फ्रेंकली उसका साथ बिहेवियर करना चाहिए। नहीं तो वो एस्केप वॉल में जाता है, ड्रग्स, भांग, गांजा का चक्कर करता है और फिर दोस्तों को भी पिलाता है, क्योंकि उसको भी साथी चाहिए कोई पीने वाला। अभी मैं पार्क में जाकर आया, मैं थोड़ा काम गया था, फिर मैंने पार्क में गया। मैं इस तरह से इधर उधर पार्क में जब भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ यंग जनरेशन कोई बियर पी रहा है, छोटा छोटा, इवन लड़की भी, मुझे लगता है कोई क्लास 9-10 का लड़की भी हो सकता है। ईटानगर में आप कोई पार्क में चला जाइए, नाहरलगन में कोई पार्क में घूमने जाइए, छोटा छोटा लड़की सिगरेट पीती है। ड्रग्स तो मैंने देखा नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें वो लोग करता है। तो मैं वहाँ पे उन लोगों को, किसी को मैं, अगर उनका फ्रेंडली बिहेवियर है, शक्ल फ्रेंडली है, तो मैं उनको कभी कभी वहाँ पर उनको डांटता भी हूँ, पूछता भी हूँ, एक बड़ा भाई की तरह या पिताजी की तरह, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्यों। तो आप भी अगर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो उनको पुलिस के हाथ देने की बजाय उनको वहाँ समझाइए। वैसे एक ऐप्स निकला है अभी इन्फॉर्म करने के लिए, तो ये भी ठीक है। ड्रग्स बेचने वाला को ऑब्वियसली हम लोग पकड़ना ही चाहिए, लेकिन ड्रग्स पीने वाला को हम लोग एक्चुअली काउंसलिंग करना ज़रूरी है। तो बहुत सारा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी है, लेकिन मेरे हिसाब से रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ये इतना एनफ नहीं है। फॉरेन में भी है ऐसे चीज़ें, लोग वहाँ घुसता है और वहाँ से जब बाहर आता है तो वो डबल ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है और पीने लगता है। इसलिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, ये उसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन ये है कि नी पींदा बात, शुरुआत में ही आपको कुछ करना होगा, आपका पेरेंटिंग ठीक रखना होगा। भाई बहन किसी को भी हो, ये अपना पराया मत सोचिए। कोई भी लड़का लड़की कहीं भी आप देखता है इस तरह के काम कर रहा है, तो उसका माँ बाप को फाइंड आउट कीजिए, उन्हें समझाइए या उसे भी समझाइए, एक बार कोशिश तो कीजिए। तो ये जो एस्केप वॉल में जाने का जो विचार है, ये एक बड़े लोगों में भी होता है। हम लोग रियलिटी में इतना
परेशान हो जाता है, इतना तकलीफ़ मिलता है, इतना कंपटीशन है, इतना हार्डशिप है, इतना रश आवर है, सुबह होते ही आप देखता होगा किस तरह से गाड़ी चलने लगता है, एक्टिविटी शुरू हो जाता है, तो लोग एक एस्केप वॉल कहीं रिलैक्सेशन ढूंढता है। तो उनको सिखाइए, रिलैक्स करने के लिए बहुत सारा जगह है, पेंटिंग करके, कुकिंग करके, गार्डनिंग करके, या दोस्तों के साथ कुछ डिस्कशन डिबेट करके, पढ़ाई करके, या थोड़ा वीडियो बना लिया, कहीं घूमने गया, बहुत सारा चीज़ें हैं जहाँ पे आप एस्केप वॉल ढूंढ सकते हैं, किताबें पढ़ के स्पेशली। लेकिन वो लोग एक ऐसा एस्केप वॉल, लाइक हाइपर एस्केप वॉल मैं कहूँगा, जहाँ पर रियलिटी से बहुत दूर हो जाता है, और एक बार उस फंदा में आ गया तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा है कई सारा, मेरा अपना भी कुछ है लोग जो इस तरह के लत लग चुका है, उन्हें ठीक करने का बहुत कोशिश किया गया लेकिन नहीं होता, एक बार बिगड़ गया तो बिगड़ गया, ऐसा हो जाता है। और इसमें जो पुलिस को देना, उसको लाइक उसका फ़ोटो न्यूज़पेपर में छाप देना, आज फलना फलना पकड़ा गया, इससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हमें अपना समझना चाहिए, जो अरुणाचल के भाई बहन सब अपने हैं, क्योंकि उनको अगर हम अपने मान के नहीं करेंगे तो फिर उसको लाइक कल्प्रिट है, ड्रग्स पीता है, पुलिस में पकड़वा दिया, कानून तो अपना काम करेगा लेकिन उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि मेरे हिसाब से उन लोगों को समझाना बुझाना चाहिए। पेरेंटिंग सबसे बड़ा बात है, पेरेंटिंग अच्छा होना चाहिए। पेरेंट्स अगर चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि बच्चा का पहला आइडल जो होता है वो पेरेंट्स होता है, वो पेरेंट्स में पाना चाहता है। जब पेरेंट्स में उसको नहीं मिलता है तभी वो सलमान खान या वगैरह वगैरह को अपना आइडल बनाता है, कोई फुटबॉल स्टार, रॉक स्टार, रैप स्टार, उनको अपना आइडल बनाता है। पहला आइडल जो होता है माँ बाप में वो ढूंढता है बचपन से। तो मैं नहीं कहता हूँ कि पेरेंट्स जो अभी लाइक सडनली अपना बिहेवियर चेंज कर पाएगा, ज़रूरी नहीं है, फिर भी कोशिश करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि मैं तो इस तरह हूँ, मेरा बोटा ऐसा हुआ है लेकिन आप ऐसा बनिए, उसको समझाना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जो है ना, ये क्यों होता है, इससे प्रॉब्लम्स निकलते हैं। कम्युनिकेशन गैप बहुत ही नेचुरल चीज़ है, ये हर जनरेशन में होगा, लेकिन बड़े लोगों को अपना बड़प्पन दिखाते हुए बच्चों के सामने झुक कर उसको बातचीत करने की कोशिश करना चाहिए, और उनका जो अपना एक पर्सनल स्पेस होता है वहाँ भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी बच्चों को फ्रीडम भी देना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि फ्रीडम का साथ जो ड्यूटी भी होता है ये भी उनको सिखाना चाहिए। लाइफ का मकसद को बताना चाहिए, क्या मकसद है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना नहीं। और दूसरा बात जो मैं कहना चाहता हूँ ड्रग्स के साथ साथ, वो है फाउल माउथ, स्लैंग का यूज़ करना। बहुत सारा गंदी बातें हैं, जैसे कि मैं यहाँ अभी नहीं कह सकता हूँ, बहुत सारा आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत ही गंदी वर्ड्स यूज़ करता है, और उसको शायद ऐसा लगता होगा कि अगर मैं इस तरह का गंदी वर्ड यूज़ करूँ, इस तरह का ड्रेसिंग करूँ तो मुझे लोग लाइक यूनिक सोचेगा, मर्द सोचेगा, कम समथिंग लाइक दिट, समथिंग हट के सोचेगा। तो उनको सिखाए, ये गलत फहमी है। ये क्या होता है कि एवरी चाइल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चा करता है गाली पेरेंट्स को मिलता है, लोग मुँह से नहीं कहता लेकिन दिल से बोलेगा इसका माँ बाप ने क्या सिखाया ऐसे, पक्का ये ऐसा ख़राब घर का होगा, गाली आपको पड़ता है, मुझे पड़ता है, पेरेंट्स को। तो इसीलिए उनको सिखाइए कि ये गंदी बातें हैं, इनका यूजेस भी है, लेकिन ये हमारा मदर टंग नहीं है, ये हम रोज़ इस तरह से, मैं पार्क में जाता हूँ तो मैं छोटे छोटे बच्चों को सुनता हूँ कितना वो कुछ वर्ड्स है उसके बिना तो वो बात ही नहीं कर सकते, तो इससे कोई यूनिक नहीं लगता एक्चुअली। हमें उनको हम्बल होना सिखाना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, उसको बताना चाहिए यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई फैमिली, पार्ट ऑफ माई सोसाइटी, पार्ट ऑफ आवर स्टेट। और एक चीज़ है कि मैं देखता हूँ कि बड़े लोग जब कोई डिस्कशन करता है, बातचीत करता है, टॉपिक चाहे कोई भी हो, छोटे लोग जब सामने होता है, छोटे बच्चे, तो उसको कहता है तुम अंदर जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातों में किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बड़े लोग छोटे लोगों को भी, छोटे बच्चों को भी, लाइक स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी अगर घर के डिस्कशन में शामिल करें तो ये बड़ा अच्छा रहता है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि हम भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उसे भी पूछ लेना चाहिए कि बताओ भाई तुम्हारा क्या सजेशन है, ऐसा सोच रहा हूँ, भले उसका सजेशन लेना ज़रूरी नहीं है, बट उसको अगर डिस्कशन में इन्वॉल्व करता है तो ये क्या होता है कि बच्चा के लिए उसको एक बच्चा महसूस नहीं होता है। तो इस बातों को आप ध्यान दीजिए कि पेरेंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज अरुणाचल में जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है ये बहुत ही सीरियस है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, हमारा पूरा जनरेशन खराब हो जाएगा। नहीं तो आपने देखा होगा तिरप चांगलांग तरफ में कैसे ड्रग्स आता है। और ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ड्रग्स बेचता कौन है, मुझे नहीं लगता है छोटे मोटे जो अरेस्ट होता है ये लोग तो जस्ट पेडलर है, छोटा मोटा पैदल चल के रास्ता में ड्रग्स बेचता है। इनके पीछे इस तरह का जो भी गोरख धंधा है जिसमें बहुत करोड़ों का बिजनेस है, ये कोई बड़े लोग ही कर रहा है, उसका लिंक मे बी गुवाहाटी से हो सकता है, कलकत्ता कहीं और जगह से बाहर से आता है। तो इसको फाइंड आउट करना चाहिए, इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेना चाहिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो गवर्नमेंट है,
नहीं तो हमारा जनरेशन पूरा कानी पीने वाला कानिया होता है ना, ड्रग्स पीने वाला ड्रगिस्ट होगा और पूरा उसका इम्पोटेंसी आ जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होगा वगैरह वगैरह। इसके ऊपर कितना सारा साइंटिफिक पेपर रिलीज़ है, कितना सारा फैक्ट्स फाइंडिंग्स है, कितना सारा चीज़ें आप लोग तो सब जानता है, लेकिन हम लोगों को करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि ये जो ड्रग्स है ये हमारा सोसाइटी को बर्बाद कर देगा। दुख लगता है, छोटा छोटा बच्चा मेरे आंखों के सामने, एक दो बच्चा अभी हेल्थ बहुत ही बुरा हालत में है और एक दो मर भी गया। ड्रग्स तो छोड़ दीजिए, वो लाइक क्लास 8 9 10 में ही उसको दारू और भांग का आदत लग चुका है। इन सब का मेडिकल पर्पज़ है, इन सब का रिलीजियस पर्पज़ भी हो सकता है, बट ये एवरीडे सेवन के लिए, एवरीडे कंज्यूम करने के लिए नहीं है। तो मैं फिर से हाथ जोड़ के अपना भाई बहन, अरुणाचल के भाई बहन और पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग ड्रग्स मत लीजिए, ख़तरनाक चीज़ है। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि इसको मैं ट्राई करके सीख के देखूँ कि क्या है ये। कुछ चीज़ों को हमको दूसरों को देखकर सीखना चाहिए और कुछ चीज़ें हम खुद का एक्सपीरियंस से सीखता है, लेकिन ये चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखने का नहीं है। काफ़ी लोग इसको करके गलती कर चुका है, हम देख सकते हैं। अपना मकसद ढूंढिए लाइफ में, मकसद मिल ही जाएगा। बिना मकसद का इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ, किसी को भगवान ने बिना मकसद का यहाँ नहीं भेजा है। मकसद मिलेगा आपको, समय होता है हर चीज़ का, आप ड्रग्स मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच।